तो केम छो पब्लिक आगे में एक नए वीडियो के साथ। और बेसिकली आज के वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम आपको कंप्लीट गाइड देने वाले हैं कि कैसे आप एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर जो है वो वर्क कर सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। विद दैट हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से कौन से पॉइंट के ऊपर जो है अपने क्लाइंट्स के लिए रीच आउट करना शुरू करना चाहिए। विद दैट हम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई बिगिनर है या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये दोनों पर्सन लोग भी जो है वो किस तरीके से क्लाइंट जो है उसे लेकर किस तरीके से हम अर्निंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो चलो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, सो दैट यूट्यूब आप लोगों के हम भी कंटेंट बनाते हैं। और चलो बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये है टू लर्न वीडियो एडिटिंग। तो यार देखो, सीधी बात है, अगर आप एज अ वीडियो एडिटर अर्निंग जो है वो शुरू करना चाहते हो, क्लाइंट्स आना चाहते हो, तो पहले आपको वीडियो एडिटिंग जो है ये आनी चाहिए। और इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो जो है वो इसके पहले वाला ही बनाया था ये सीरीज का, जहां पर हम लोगों ने बात की थी कि कैसे आप एक वीडियो एडिटिंग ये जो स्किल है ये आप सीख सकते हैं। कंप्लीट ए टू जेड रोड मैप जो है वो मैंने शेयर किया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो में ये टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। ये वीडियो जो है ये मैंने मेन फोकस बनाया है कि आप कैसे एज अ वीडियो एडिटर पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कैसे क्लाइंट जो है ये सारी चीजें जो है ये आप कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर ये वीडियो खत्म होने के बाद देखिएगा, सो दैट आप पहला स्टेप जो है वो ले सके एज अ वीडियो एडिटर हमारे कंप्लीट रोड मैप के इसमें। तो चलो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू नंबर टू ऑन आवर लिस्ट। तो अब आगे बढ़ने के पहले बहुत लोगों को ना ये मोस्ट ऑफ लोगों को क्वेश्चन होता है कि आयुष हमें ये बताओ कि हम किस तरीके से एज अ वीडियो एडिटर या फिर हमने कब जो है वो क्लाइंट्स को रीच आउट करना शुरू करना चाहिए। बिकॉज देखो, अभी क्लाइंट्स तो हमें लेने हैं, हम एज अ वीडियो एडिटर फ्रीलांसिंग तो शुरू करने, लेकिन कैसे ये फिगर आउट करें कि अब जो है वो हम लोग रेडी है अब टू सर्व क्लाइंट्स, या फिर अब हम रेडी है, कब पता कैसे पता करें कि अब हम रेडी है कि हम क्लाइंट जो है उसे रीच आउट करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है मैं पहले देना चाहूंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका भी जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपको मिलना चाहिए, तभी जो है आप क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करना, ये सारे पॉइंट्स का जो है वो वैल्यू बनेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, वो ये है कि देखो, पहली तो आपके पास क्राइटेरिया ये है कि आपने मोर देन 30 वीडियो जो है वो आपने एडिट किए होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मिनिमम से मिनिमम अगर आपने 30 वीडियोज पर काम किया है, तब आप जो है वो वीडियो एडिटिंग ये जो स्किल है इसे समझने लगते हो, आप वीडियो एडिटिंग जो है इसे अच्छे तरीके से करने लगते हो। तो अगर आपने 30 वीडियोज जो है वो बना लिए है या फिर आपने 30 वीडियोज पर काम जो है वो कर लिया है, तो आप डेफिनेटली जो है आप ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो आप क्लाइंट्स को जरूर सर्व कर सकते हैं। विद दैट जो सेकंड क्राइटेरिया जो मुझे लगता है वो ये है कि यू नो हाउ टू यूज टूल्स, या फिर हम कह सकते हैं आपको टूल्स का नॉलेज है। अब देखो, अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, आप काइन मास्टर यूज कर सकते हैं, या फिर आप अभी राइट नाउ कोई भी, अगर आप फाइनल कट प्रो, डाविंसी, ऐसे कोई चीज, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आपको अगर उनके टूल्स सही तरीके से यूज करना आते हैं ना, तो भी जो है ये एक मुझे क्राइटेरिया लगता है कि आप एज अ वीडियो एडिटर जो है वो काम कर सकते हैं और क्लाइंट जो है आप उसे सर्व कर सकते हैं। बिकॉज आपको क्लाइंट्स के अलग 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 रिक्वायरमेंट्स आएंगे, जहां पर आपको टूल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको टूल्स का अगर बेसिक नॉलेज भी है, फिर आपको टूल्स जो है वो समझने लग गए, आप उसे यूज करना जानते हैं, तो मेरे हिसाब से क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप क्लाइंट्स को जरूर रीच आउट जो है वो कर सकते हैं। विद दैट जो मुझे थर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये लगता है कि आप जानते हो कि ऑडियंस का रिटेंशन किस तरीके से जो है वो कैप्चर करना है, आप जानते हो कि ऑडियंस का किस तरीके से ध्यान जो है वो वीडियो में खींचना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मैंने शुरुआत में केम छो पब्लिक बोलते टाइम पर मैंने ये चीज़ जो है ये की थी, तो इसी तरीके से ये एक मेरा ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से मैं जो लोग मेरे वीडियो के शुरू करते हैं मैं उनका अटेंशन जो है वो ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी यूनिक लगता है, थोड़ा सा ऐसा माइंड जो है उसे काफ़ी लगता है कि जूम आउट जूम इन जो है ये चीज़ों से ऑडियंस का जो रिटेंशन है वो कैप्चर किया जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इससे काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स जो है उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट ऐसे काफ़ी सारे टेक्निक्स है जो कि होती है जिससे आप ऑडियंस का रिटेंशन जो है फिर आपको ऑडियंस का जो अटेंशन है वो आप जो है वो कैप्चर कर सकते हो। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया जो आप पूरे करते हैं, फिर इसमें से आप दो भी क्राइटेरिया पूरे करते हो, तो आप रेडी हो एज अ वीडियो एडिटर काम करने के लिए या फिर क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है यहाँ पर ईगरली वेट कर रहे हैं, वो ये है कि किस तरीके से क्लाइंट्स जो है उसे लाना है, मीन्स गेट क्लाइंट्स फॉर वीडियो एडिटिंग। ये फील्ड के लिए हम कैसे जो है वो क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको आपका बहुत सारा स्ट्रांग या फिर हम कह सकते हैं मॉडेस्ट पोर्टफोलियो तो भी आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यार देखो, अभी जब मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो की बात की है, तो यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट जो है या फिर दो टाइप के लोग जो है वो यहाँ पर आए होंगे। एक जो है वो ये लोग कहेंगे कि देखो भाई, हमारे पास तो पूरा पोर्टफोलियो रेडी है, तुम ये बताओ कि यार कैसे क्लाइंट लेके आना है।
वही यार, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि आयुष हमें तो पोर्टफोलियो हमें पता ही नहीं है कैसे बनाना है या फिर पोर्टफोलियो क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसका पोर्टफोलियो बना हुआ है, जिसने 30-40 वीडियो से ज़्यादा जो है वो पोर्टफोलियो बना चुका है, इतना लेवल का पोर्टफोलियो जो बना चुका है कि कोई भी क्लाइंट को भेजोगे तो वो स्क्रोल कर सकता है, तो आप ये पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर जाकर जो है वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे पोर्टफोलियो जो बनाना है, थोड़ा उसके बारे में बात करने वाले। बट अगर आप ऐसे पर्सन तो सीधा जो है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो मैं आपको गाइड करता हूं कैसे पोर्टफोलियो जो है वो बनाना है। देखो, सबसे पहली चीज जो है वो आप ये कर सकते हो कि आप खुद के ही वीडियोस पर वर्क कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जैसा फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल लूं, तो मेरे पास मैं जब भी कोई वीडियो एज अ वीडियो एडिटर, अभी तो मेरा मीडिया एजेंसी है, बट जब मेरा मैं एज अ बहुत शुरुआत में जब वीडियो एडिटर काम किया हूं बहुत लोगों के लिए, तो मैं यही करता था कि मैं यूट्यूब पर मेरे वीडियोज है वो अपलोड करता था, और मेरे 40-50 वीडियो के ऊपर जब बन गए थे तो मैंने क्लाइंट्स को रीच आउट करना शुरू किया था, और तब मैं उन्हें यही कहा था कि देखो यार मेरे पास 50 वीडियोज आई है, मैंने खुद के वीडियोज जो है वो एडिट किए हैं। इसी तरीके से आप खुद के कोई यूनिक प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं, खुद ही ट्राई कर सकते हैं वीडियोज बनाने का, तो उससे आपका पोर्टफोलियो जो है वो आप बना सकते हैं। विद दैट जो सेकंड चीज आप ये कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए फ्री में काम कर सकते हैं, वर्क फॉर फ्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने भी ये चीज़ की है। आप कोई आपके रिलेटिव्स होंगे, कोई आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, या फिर कोई क्लाइंट होगा जिसके आप रीच आउट करते हो और आप उनको ये मैसेज करिए कि देखो मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ। शुरुआत में फ्री में काम करिए टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विद दैट थर्ड चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इंटर्नशिप करो यार। देखो, इंटर्नशिप जो है ना ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वो पेड हो सकती है, वो अनपेड हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। आप ऐसा अगर शुरू करना चाहते हो तो इंटर्नशिप्स करो, बिकॉज इंटर्नशिप में आप कोई चीजों पर काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे जिसको आप एज अ पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो, और आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आगे जो है वो बढ़ सकते हो, और आपके पास पोर्टफोलियो जो बनेगा और लोगों को दिखा भी पाओगे कि एज अ फ्रीलांसर लेटर मैंने ये चीज़ों पर काम किया है। सो आई होप कि वो वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है, हमने पोर्टफोलियो जो है वो बना लिया है, हमने पोर्टफोलियो कैसे बनाना जो है ये सीख लिया है। तो आप जब वो जो पोर्टफोलियो जब आपका बन जाएगा, तब आपको ये करना है कि अब हम बात करेंगे कि कैसे, अगर पोर्टफोलियो बना हुआ है तो कैसे क्लाइंट्स को लेकर आना है, फिर कैसे क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, कौन से मीडियम जो है वो यूज कर रहे हैं टू गेट क्लाइंट्स एज अ वीडियो एडिटर। तो देखो, अब यहाँ पर भी ना दो लोगों के जो सेक्शंस है वो क्रिएट होते हैं, जो मुझे लगता है यहाँ पर दो सेक्शंस क्रिएट होते हैं। वन इज द बिगिनर, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने इंटर्नशिप्स किया, जिन्होंने सिर्फ फ्री में काम किया है बट आज तक किसी पेड लोगों के लिए काम नहीं किया है, और वही कोई और दूसरा सेक्शन जो है वो यहाँ पर ये बनकर आता है कि कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी काम कर लिया है, पोर्टफोलियो बना हुआ है, बट दे आर जस्ट फाइंडिंग वेज कि अब हम कैसे क्लाइंट्स को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए कि एज अ बिगिनर अगर आप हो तो आप कैसे जो है वो क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो। तो बेस्ट चीज़ जो है वो यही है कि आप आपके लोकेलिटी में आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके आजू बाजू में कोई स्टोर्स में कहीं भी लोकेलिटी में ही आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें जाइए और उनको कहिए कि देखो मैंने ये चीज़ बनाई है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, और उनके साथ कनेक्शन बनाइए और उन्हें कहिए कि मैं आपके लिए वर्क कर सकता हूँ। शुरुआत में आपको अंडर पेड जो है वो किया जाएगा शुरुआत में, बट ये चीज़ ज़रूर है कि आपको एक किक स्टार्ट मिलने के लिए, शुरू करने के लिए एज अ क्लाइंट परस्पेक्टिव कि आपने क्लाइंट्स के लिए वर्क किया, ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आप ये इस तरीके से एज अ बिगिनर जो है वो शुरू कर सकते हो। तो नाउ आई होप कि बिगिनर्स का जो क्वेश्चन है वो भी खत्म हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि अब देखो यार ये सारे वेज ऐसे हैं कि अब आप बिगिनर भी हो या फिर चलो कोई भी आप भी ये चीज़ें यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे क्लाइंट जो है वो लेके आना है। बट देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको शुरू करने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता फाइवर या फिर ये चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए। तो मैं आपको जो सारे वेज बताने वाला हूँ वो ना ही कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होने वाली है, मैं आपको मेरे लिए जो चीज़ें वर्क की और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जो मेरा नेटवर्क है उनके लिए जो चीज़ें वर्क की है, मैं उन्हीं के तरीके से आपको उन्हीं के एक्सपीरियंस जो है वो यूज़ कर आपको ये वेज जो है बता रहा हूँ। सोचिए, नंबर वन पॉइंट इज लिंक्डइन। अब देखो, लिंक्डइन जो है ये अगर आप अभी भी यूज़ नहीं करते हो आपके प्रोफेशनल यूज़ के लिए, तो आई रिकमेंड यू टू यूज़ दैट, बिकॉज लिंक्डइन जो है ये आपके लिए काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो है वो लेकर आ सकता है। आपको करना ये है कि आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे या फिर जो भी आप एक्टिविटीज़ करते रहते हो वो आपको शेयर करते जाना है। विद दैट वहाँ पर आपको सही तरीके से कॉन्टेंट जो है वो क्रिएट करना है। बट कॉन्टेंट क्रिएट करने के साइड से मैं अलग पॉइंट बोलने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप लिंक्डइन पर अगर हो तो लिंक्डइन पर आप लोगों को पहले पॉइंट ये कर सकते हो कि लोगों के साथ शेयर करो कि देखो मैंने ये चीज़ बनाई, मैंने अब ये वीडियो बनाया, मैंने ये चीज़ करी, मैंने ये वीडियो में ये टूल सीखा, अब मैंने ये टूल सीखा, अब मैंने ऑडियंस रिटेंशन सीखा। फिर फॉर एग्जांपल आप ये भी वीडियो जो है ये आप शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पर। जरूर करिएगा कि आपने ये वीडियो देखा और अब आपको रोड मैप
मैप जो वो पता चल गया है, तो ये भी चीज जो है आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आप अलग अलग चीजें जो है वो शेयर करो, लोगों को बताओ कि आप सीख रहे हो, आपने ये काम जो है किया, बिकॉज वही से लोग जो है वो आपको मिल सकते हैं बहुत अच्छे लेवल के, और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं एज अ वीडियो एडिटर, एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर भी मैं बट यहाँ पर स्पेशली वीडियो एडिटर की बात कर रहा हूँ। तो एज अ वीडियो एडिटर आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स जो वैसे मिल सकते हैं। बेटा आप दूसरा ये कर सकते हैं, आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद उन्हें सामने से मैसेज करिए जब एक्सेप्ट हो जाती है कि देखो मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट रही है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो ये कुछ चीजें जो है ये आप कर सकते हैं एज अ वीडियो एडिटर लिंक्डइन के ऊपर, जहां से आपको बहुत अच्छे लीड जो है वो जनरेट हो सकती है। अब जो सेकंड चीज आप ये कर सकते हैं वो है पर्सनल ब्रांड। अब देखो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि खुद से कॉन्टेंट क्रिएट करना और लोगों को दिखाना कि देखो मुझे ये चीज आता है और मैं लोगों को सिखा सकता हूं, फिर मुझे इस चीज का नॉलेज है। अब देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों में फर्क समझना। जब मैंने पहले लिंक्डइन की बात की थी तो उसमें मैंने ये बात की थी कि आप ये शेयर करना कि आपने कुछ सीखा या फिर ये सारी चीजें, बट मैं यहां पर ये शेयर करने की बात कर रहा हूं कि ये टूल जो है ये ऐसे यूज करना है, या फिर फॉर एग्जांपल यहां पर इस तरीके से ऑडियंस अटेंशन ग्रैब किया जाता है, ये सारी चीजें यूज करके फॉलोअर्स गेन कर खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना, जैसे आपकी वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि देखो इस बंदे को जो है ये इस चीज का नॉलेज है, जहां से आपको क्लाइंट्स आने के सबसे ज्यादा चांसेस जो है, बिकॉज मेरे भी एक मैं बेस्ट एग्जांपल जो है वो प्रेरणा का ही लेता हूं, शी इज अ कंटेंट राइटर और उनका पर्सनल ब्रांड अगर आप लिंक्डइन पे जाके देखोगे तो बहुत ऑसम है। हमने एक वीडियो उनके साथ बनाया था, जाके देख सकते हो एज अ कंटेंट राइटर उन्होंने कैसे वर्क किया है, तो जाकर जरूर देखना वो वीडियो, तो मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यही कहीं ऊपर जो वो कार्ड आ जाएगा जाकर जरूर देख सकते हो। दैट मैं उनका एग्जांपल ये देना चाहता हूं कि देखो उन्होंने इतना पावरफुल ब्रांड जो है ना वो बनाया है कि क्लाइंट जो है वो उनके पास सामने से आते हैं, उनको डेली जो है वो लोग जो है वो रीच आउट करते हैं, बिकॉज उनका रीच जो है वो आज के डेट में काफी ज्यादा बढ़ गया और लोग जो है वो जानते हैं कि ये जो पर्सन है इन्हें काफी अच्छा ये फील्ड का नॉलेज है। और उन्होंने भी वो पर्टिकुलर वीडियो में यही शेयर किया था कि लिंक्डइन पर आपको पर्सनल ब्रांड बनाइए, जैसे आपको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प है मिलती है। इसी चीज को लेकर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बढ़ता हूं, ये सारे टू वे जो है ये आपको आई होप पसंद आए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 3 ऑन आवर लिस्ट, व्हिच इज कॉन्टैक्ट मीडिया एजेंसीज। अब देखो बहुत सारी ऐसी मीडिया एजेंसीज होंगी, अगर आप लिंक्डइन पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी मीडिया एजेंसीज जो है उन्हें फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स या फिर उन्हें वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जब आप उन्हें देखते हो तो जाकर उन्हें कोल्ड ईमेलिंग करिए, आप उन्हें कोल्ड ईमेल करिए। और कोल्ड ईमेल कैसे करना ये भी हमने एक वीडियो में समझाया था, जाके जरूर देख सकते हो, मैं ज्यादा बात उसके बारे में नहीं करूंगा, बट आप कोल्ड ईमेलिंग भी कर सकते हो, आप उन्हें जाकर लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हो और जाकर मीडिया एजेंसीज में कॉन्टैक्ट करिए कि देखो मुझे ये स्किल्स आती है, मैंने इतने तक काम किया है, तो मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूं एज अ फ्रीलांसर। तो आप वो चीज जो है कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग जो है वो आप कर सकते हैं, और बाद में काफी सारे मीडिया एजेंसी के साथ आप वर्क कर आप चीज जो है ये आप कर सकते हो, और वहां से आप बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग सोर्स जो है वो बना सकते हो। द फिफ्थ पॉइंट ऑन द लिस्ट इज डिस्कॉर्ड। अब देखो डिस्कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहां पर काफी सारे ग्रुप्स जो है वो बनते हैं, जहां पर काफी सारे लोग जो है वो खुद की कम्युनिटी बनाते हैं, ऐसे आप अलग अलग कम्युनिटीज जो है वो ज्वाइन करिए, वीडियो एडिटर्स का कह सकते हैं, मार्केटिंग कंपनीज का कह सकते हैं, मार्केटिंग लोगों का ग्रुप ज्वाइन करिए, या बिजनेस लोगों का जो है वो ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों के साथ नेटवर्क जो है वो बनाया जाता है, और काफी लोग जो है वहां पर खुद के ये भी शेयर करते हैं कि देखो मुझे इस चीज का रिक्वायरमेंट है, और ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट वो भी शेयर करते रहते हैं, तो आप जाकर जरूर शेयर करना, वहां से आपका नेटवर्क बढ़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। जैसे कुछ डिस्कॉर्ड ग्रुप की मैं बात करूं तो मार्केटअप जो है वो ईशान शर्मा एक डिस्कॉर्ड ग्रुप है, तो आप जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हो। विदाउट ब्लू जॉन के भी काफी अच्छे अच्छे डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, आप जाकर फिगर आउट कर सकते हो, लगे तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं एक वीडियो जो है उस पर भी बना दूंगा कि कौन से डिस्कॉर्ड ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हो आप एज अ फ्रीलांसर्स। तो ये तो चीजें हैं, ये मैंने आपको बताई है कि एक और पॉइंट मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट जो है वो हमारा वही है सबसे लास्ट में रखता हूँ, बिकॉज मैं इस पर काफी कम बिलीव करता हूँ, वो है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। तो आप काफी सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाकर जो है आप खुद के गिग्स बना सकते हो, और वहां से आप क्लाइंट्स जो है उसे रीच आउट कर सकते हो। इस राइट नाउ आप अगर फाइवर पर जाओगे तो फाइवर पर अगर आप वीडियो एडिटर सर्च करोगे तो देखो इतना लेवल ऑफ अर्निंग जो है वो लोग कर रहे हैं आज के डेट में। बट देखो यार टू बी ऑनेस्ट ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है, ये काफी ऐसा वे है जहां पर आपको काफी ज्यादा रुकना पड़ेगा, अनलेस एंड अनली कुछ लक अगर आपका चले गया तो आपको जल्दी भी आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोगों को काफी टाइम लगता है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो वो मिलने के लिए। तो इसीलिए आई रेकमेंड यू कि आप जितने मैंने पहले आपको चीजें बताई है अब वही पर जो है आप वही फॉलो करिएगा शुरुआत में, बट आप साथ साथ में फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर भी आप चीजें जो है वो शोकेस कर सकते हो, गिग्स जो है वो खुद के बना सकते हो, वहाँ पर रखिए, वहाँ पर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। बट और कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जो मुझे लगता है वो अच्छी है, मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, गूगल से ही मैंने पढ़ा है इन के बारे में, तो ये चीज़ें मैं आपको लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें ये वीडियो में बता दी है, मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो आपको बता दिए कि कैसे आप एज अ वीडियो एडिटर जो है वो क्लाइंट्स ला सकते हैं। कंप्लीट गाइड जो है मैंने आपको कर दिया है, ए टू जेड क्लाइंट मैंने आपको कर दिया है। विद दैट आप पुराना वीडियो जो मैंने पिछला इसका बनाया था कि वीडियो एडिटर कैसे एज अ वीडियो एडिटिंग जो ये स्किल सीखना है पूरा ए टू जेड, ये सारा मैंने रोड मैप शेयर किया था, आप जाकर जरूर देखना, बिकॉज वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो विद दैट
आई होप दिस वीडियो हैड सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ, और कैसा वैल्यू मिला मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी जरूर बताना। विद दैट आप लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर मुझे रीच आउट कर सकते हो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो। विद दैट हम कंटेंट बनाते हैं बिजनेस करियर स्टूडेंट लाइफ को लेकर, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। विद दैट लाइक भी जरूर करिएगा जिससे मैं और कॉन्टेंट जो है वो पावरफुली बनाता हूँ। मैं ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे के दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। विद दैट सारे दिन बाकी दिन तो शॉर्ट्स भी आते हैं, जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब्बा खैर, मिलते हैं।